नेपाल में प्लेन क्रैश, 18 लोगों की मौत। काठमांडू के एयरपोर्ट पर रनवे से फिसला विमान, विंग जमीन से टकराया फिर आग लगी। नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक विमान क्रैश हो गया। प्लेन में सवार 19 लोगों में से 18 की मौत हो गई है। वहीं घायल पायलट कैप्टन मनीष राखे को अस्पताल पहुंचाया गया है। प्लेन काठमांडू से पोखरा जा रहा था। प्लेन ने त्रिभुवन एयरपोर्ट से उड़ान भरी। इसके कुछ ही देर बाद सुबह करीब 11 बजे ये प्लेन क्रैश हो गया। 9NAME प्लेन सूर्या एयरलाइंस का था। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक पुलिस और फायर फाइटर्स की टीम घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक एक सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि क्रैश के बाद विमान में आग लग गई थी, इसे तुरंत बुझा दिया गया। घटनास्थल से सामने आई तस्वीरों में धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि हादसा किस वजह से हुआ इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आ पाई है। घटनास्थल पर मौजूद चश्मदीदों ने काठमांडू पोस्ट से बात करते हुए कहा, प्लेन रनवे के दक्षिण छोर से टेक ऑफ कर रहा था, अचानक से इसमें झटका लगा और ये रनवे से फिसल गया। इसका विंग जमीन से टकरा गया और विमान में आग लग गई। इसके बाद ये रनवे के पूर्वी हिस्से में बुद्धा एयर हैंगर और रडार स्टेशन के बीच गिर गया।